अच्छा रहता है सर। हाँ आपका घूमना भी हो जाता है, ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम अभी गोवा के इवनिंग मार्केट में है। कितना खूबसूरत है यहाँ का। ये रही क्यूटी मेरे साथ, हम इवनिंग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। और दिखाता हूँ दोस्तों आपको यहाँ के व्यू, बहुत ही अच्छी मार्केट है दोस्तों यहाँ पे। आपको अगर कोई भी ड्रेस लेनी है या तो कुछ भी लेना है मतलब, वो सब मिलेगा यहाँ पे। एक से एक शॉप से एक ड्रेसेस है। और इसीलिए जब भी आप गोवा होगे तो आप टेंशन मत लेना कि ड्रेसेस है या नहीं। मेरे देखिए इतने सारे अवेलेबल है यहाँ मार्केट में। ये जगह का नाम है कलिंगुट बीच मार्केट। बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो। सो बेफिक्र रहिए जब भी आप गोवा आते हो कि आपने गोवा के लिए स्पेशल ड्रेस, जैसे कि गर्ल्स के लिए या फिर बॉयज़ के लिए, वो नहीं नहीं तो यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ आते वक्त जब हम अपने घर से निकले तो हमने एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखी, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। काफ़ी डरावना था वो, और कुछ देर तक तो हम उसे देख उस मोमेंट को याद करते रह गए। ये देखो दोस्तों एक अच्छी मार्केट है यहाँ पे कपड़ों के लिए। काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं यहाँ पे। ये कुछ होम डेकोर्स के लिए यहाँ पे वुडन के वो लगे हुए हैं। शाम का वक्त है तो लोग घूम के बीच से आ रहे हैं। देखो मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये देखिए बीच मार्केट। यहाँ पे आप कुछ भी होम डेकोर करने के लिए, सजावट के लिए सामान ले सकते हैं। हमारे पीछे हो रहे काफ़ी लोग रहे हैं वहाँ पे खरीद रहे हैं वो। और मौसम शाम का बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। दिन में काफ़ी धूप लगी हुई थी, काफ़ी गर्म हो गई थी रेत, लेकिन अभी ठीक है, नॉर्मल है। कूल ठंडी 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 हवा चल रही है यहाँ पे, और ईयर एंड तो है ही। तो दोस्तों इस साइड भी दिखा दूँ मैं आपको, ये देखो दोनों तरफ रोड के बहुत ही अच्छा अच्छा है। ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, काफ़ी नॉर्मल रेट से मिल जाते हैं यहाँ पे। सो अगर आप बाइक या स्कूटी में आते हो तो आप वहाँ पर पार्क कर सकते हो इस एरिया में। ये एक चौक है यहाँ पे, बस यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो आप सारे जितने भी बाइक स्कूटी है, और फिर यहाँ पार्क करते हैं। अगर गाड़ी है तो यहाँ पार्क करके कर सकते हो, फिर आगे बढ़ कर सकते हो यहाँ से। सो ये जो चौक में आपको दिख रहा होगा, तो इस चौक से जब लोग पार करते हैं तो हम लोग एंटर करते हैं एक्चुअल जो बीच बीच है वो एंटर यहाँ से करते हैं। देखो ये बैरियर क्रॉस किया हमने, बस उस तरफ अब बीच है और वो जो एंड दिख रहा है आपको वहाँ पर। सो यहाँ बीच के एरिया में भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं, काफ़ी सारी ड्रेसेस लगी पड़ी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे टैटू बनवाते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि टैटू चाहे कैसे बनवाना है आपको। देखो एड्स कर रखे उन्होंने यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स है दोस्तों यहाँ पे। तो जब भी आप आएंगे कलिंगुट बीच इवनिंग सीन के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का। हेलो भाई, थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ इवनिंग सीन एट कलिंगुट बीच। काफ़ी माहौल है, अगर आपको ड्रिंक्स वगैरह करने हैं तो, और
वाइन पैलेस। तो यहाँ पे आपको हर किस्म की बियर और जो भी ड्रिंक्स लेने हैं वो मिलेंगे यहाँ पे। और इस साइड देखते हैं तो ड्रेसेस हैं, और बस जो अंधेरा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको वो बीच है। आपको कोई ड्रेस लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो, टैटू यहाँ से, तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आप देख सकते हो दोस्तों वहाँ पे पुलिस भी सिक्योरिटी में खड़ी है, तो यहाँ से नीचे उतरते हैं। साइड देख सकते हो दोस्तों, फिर ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है रात के समय में। और उस साइड भी हम लोग नाइट टाइम पे आ गए बीच पे। तो दोस्तों मिलते हैं घूमते हुए, तो यहाँ जाते हैं। काफी सारा शोर है दोस्तों यहाँ पे, यह रहे लोगों बैठा है। तो मैं और मेरी क्यूटी वहाँ शैक्स में जा रहे हैं, वहाँ बैठ के आज हम डिनर करेंगे।
क्यूटी स्टार्ट करें डिनर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं डिनर। नूडल्स एंड दिस इज माय फेवरेट, सो लेट्स स्टार्ट। मिलते हैं दोस्तों कुछ देर में। नूडल्स कैसे लग रहे हैं? अच्छी यम्मी भाई। हम तो चिकन खा रहे हैं और वही अपना नाच चल रहा है। Gracias.